हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूप आईएएस करंट अफेयर्स न्यूज बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज 11 अगस्त के इंपॉर्टेंट न्यूज को देखने वाले हैं जो कि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पर बेस्ड होंगे। सबसे पहले कोचिंग के बारे में जानकारी है, फीचर्स को जान लेते हैं। एक तो क्लासरूम गाइडेंस आपको मिलता ही है जिसमें कम स्ट्रेंथ में आपकी स्टडी होती है, साथ में पर्सनल गाइडेंस का एक प्रोग्राम आपके साथ चलता है जिसमें सेल्फ स्टडी बेहतर तरीके से हो पाती है। क्लासरूम के बारे में जानना चाहते हैं तो आपके जो आइडियल कंडीशंस हैं, बेस्ट स्टडी मटेरियल से लेकर के टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर्स के पर्सनल नोट्स तक, इन सभी चीज़ों में हम आपको हेल्प करते हैं कोचिंग में। साथ में जो पर्सनल गाइडेंस का प्रोग्राम है उसमें एक स्पेशलाइज्ड कोच होते हैं जो आपकी मदद करते हैं, आपके आंसर राइटिंग के स्किल को ठीक करते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम में आते हैं लेकिन उनका बैकग्राउंड हिंदी मीडियम का होता है तो उनको बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं शुरुआत में अपने आंसर राइटिंग में, तो इसके लिए हम अभी से आपको टारगेट करते हैं। अभी से बच्चों को पता नहीं होता नोट्स कैसे बनाने हैं, टाइम मैनेजमेंट का एक्चुअली में मतलब क्या होता है, तो इन सभी चीज़ों से आपको अवेयर किया जाता है और लगातार आपको बताते रहते हैं आपके मेंटर्स कि किस तरीके से टारगेटेड होकर के काम करना है और अपने पूरी तैयारी को सही समय पर ख़त्म करना है। डिटेल्स आपको इस नंबर पर मिल जाएगा, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आज का पहला न्यूज़ देख लेते हैं। इसके पहले हम क्वेश्चन देख लेंगे। आपके सामने क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग लेक वेयर इट इज़ लोकेटेड। कहाँ पर लोकेटेड है ये लेक, इसमें आपको मैच करना है, सही ऑप्शंस को चुन के इसका आंसर देना है। न्यूज़ बीसी पर बेस्ड है। एक नया लेक डिस्कवर हुआ है नेपाल में और ऐसा माना जा रहा है कि ये वर्ल्ड का हाईएस्ट लेक हो सकता है। अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है लेकिन ये एक अंदाज़ा है। तो याद रखना है कि अभी जो नया लेक डिस्कवर हुआ है वो कहाँ पर, नेपाल में हुआ है, और यहाँ पर इसको लोकल लेवल पर सिंगार बोला जाता है, सिंगार लेक के नाम से भी इस लेक को जाना जाता है। इसका काजिंग सारा लेक जो कि मानांग डिस्ट्रिक्ट है नेपाल में, वहीं पर पाया गया है। और यहीं पर एक और लेक है, तिलिचो लेक, ठीक है। तो ये दोनों ही इन्फॉर्मेशन आप ध्यान रखेंगे बिकॉज अभी न्यूज़ में है और हो सकता है कि इसको वर्ल्ड का हाईएस्ट लेक घोषित किया जाए। इसकी जो हाइट है वो 5200 मीटर पर ये लेक सिचुएटेड है। इसको सिंगार खारा का भी बोला जाता है, ठीक है, रूरल एरियाज़ में। अब इसी पर आपको फैक्ट्स अगर लिखना है अपने नोट्स में तो आप क्या क्या फैक्ट लिखेंगे। फर्स्ट आपको लिखना है कि काजिंग सारा लेक है जिसको न्यूली डिस्कवर किया गया है, मानांग डिस्ट्रिक्ट नेपाल में, जो आपसे पूछा जा सकता है। और यहीं पर एक और लेक है, तिलिचो लेक, जिसके बारे में लिख लेंगे, मानांग में ही है, वर्ल्ड का हाईएस्ट लेक इसको माना जा सकता है। अभी बातचीत चल रही है, लोकल लेवल पर इसको सिंगार बोला जाता है। और कहाँ पर डिस्कवरी हुई है, हिमालय में हुई है। तो ये बातें आप याद रखेंगे, ऐसा माना जाता है कि हिमालय के मेल्ट होने की वजह से ही ये लेक क्रिएट हुआ है। अब इसी पर हम कुछ और इन्फॉर्मेशन गेन कर लेते हैं, वर्ल्ड के हाईएस्ट और लोएस्ट लेक की जानकारी लेते हैं। हाईएस्ट लेक की अगर आप बात करेंगे वर्ल्ड में तो एक क्रेटर पर बेस्ड लेक है, ओजोस डेल सालदो। ये 6,390 मीटर ऊंचा है, ठीक है, जो कि एंडीज पर है। तो हाईएस्ट लेक कहाँ है वर्ल्ड का, एंडीज पर है। जो न्यूली डिस्कवर्ड अभी लेक है वो कहाँ, हिमालय पर डिस्कवरी हुई है। और वहीं अगर हाईएस्ट लार्ज लेक की बात करें, हाईएस्ट लेक तो ये ओजोस डेल साल्दो है, लेकिन अगर हम हाईएस्ट लार्ज लेक की बात करें तो वो तिब्बतन ऑटोनोमस रीजन में पड़ता है और उसका नाम है म्योंग शो, याद रखिएगा। ये हाईएस्ट लार्ज लेक है, तो ये डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। वर्ल्ड का हाईएस्ट कॉमर्शियली नेविगेबल लेक, जैसे यूपीएससी जब क्वेश्चंस पूछती है तो इन्हीं कन्फ्यूजिंग सेक्शन से आपको कई बार क्वेश्चन आता है और आप कन्फ्यूज हो जाते हैं। लेक टिटिकाका भी बहुत लोगों को याद आया होगा कि वर्ल्ड का हाईएस्ट लेक, तो लेक टिटिकाका है। कॉमर्शियल पर्पज से अगर हम बात करेंगे, कॉमर्शियली नेविगेबल लेक अगर हम देखेंगे वर्ल्ड का हाईएस्ट, तो वो लेक टिटिकाका है जो कि पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पर है, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट लेक इन साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका का लार्जेस्ट लेक है लेक टिटिकाका, ये इन्फॉर्मेशन आप ध्यान में रखेंगे। और लोएस्ट लेक की बात करें तो वर्ल्ड में वो है डेड सी, ठीक है। तो वर्ल्ड का लोएस्ट लेक क्या है, कौन सा है, डेड सी है जो कि इसराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पर है। इसके कई बार हम लोग इमेज भी देख चुके हैं, ये इन्फॉर्मेशन आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला न्यूज़ है लोके आर्किया, पूछा जा सकता है। देखिए आप इमेज देख सकते हैं न्यूज़पेपर में कहाँ पर आया था, द हिंदू का ही ये न्यूज़ है। एंसिएंट माइक्रोब है ये लोके आर्किया। इसमें क्वेश्चंस कैसे बनेगा मैं आपको यहीं बता देती हूँ। इसमें पूछा जाएगा कि इट वॉज़ इन न्यूज़, और ये एक तो वन लाइनर भी बन सकता है, आपको चार पांच ऑप्शंस दे दिए जाएंगे वहाँ पर, माइक्रोब्स है या फिर
न्यू प्लांट स्पेसीज है या फिर फंगल स्पेसीज कुछ ऐसा दे सकते हैं, या दूसरा स्टेटमेंट के फॉर्म में बन सकता है दैट लोकार्किया वॉज इन न्यूज़ और इट इज़ अ माइक्रोब। दूसरा ऑप्शन में होगा दैट इट वॉज फाउंड इन वेस्टर्न घाट, तो ऐसे स्टेटमेंट वहाँ पर लिखे होंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा लोकार्किया जो है वो एक एंसेंट माइक्रोब है जिसकी डिस्कवरी हुई है रिसेंटली जापान में, ठीक है। इसके पीछे बहुत दिनों से साइंटिस्ट लगे हुए थे। ये एक सिंगल सेल्ड माइक्रोब है, याद रखना है सिंगल सेल्ड माइक्रोब है। अभी तक सिर्फ जीनोम सिक्वेंसिंग से ही इसका पता लगाया जाता था, इस पर डिस्कवरी की जाती थी, और ये जब मिल चुका है ये माइक्रोब तो इससे कई और रहस्य का पता चल सकता है। जो कॉम्प्लेक्स लाइफ है अर्थ में उसकी शुरुआत कैसे हुई है इसका पता लगा पाएंगे साइंटिस्ट, ठीक है। तो जापान से ये रिपोर्ट आई है और जापान के ही साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया है, लोकार्किया इट इज़ अ माइक्रो, प्लीज़ रिमेंबर दिस फैक्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला न्यूज़ देखिए, ये है सीड्स के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़। इकोनॉमी के पेपर 3 में आप एसोसिएट करें, इकोनॉमी में जब आप एग्रीकल्चर के सेक्शन की बात करते हैं या फिर फूड प्रोसेसिंग की, तब वहाँ पर भी इसको जोड़ सकते हैं। गवर्नमेंट ने कहा है कि सीड्स का सर्टिफिकेशन होना चाहिए और ये मैंडेटरी होगा अब, ठीक है। तो अभी तक जो न्यूज़ आपके सामने कंसर्निंग इशू है भारत में वो ये है कि अभी तक जितने सीड्स बेचे जाते हैं मार्केट में, खास करके भारत में, उसमें आधे से ज़्यादा सीड्स जो हैं वो नॉट सर्टिफाइड होते हैं, और इस वजह से कोई भी टेस्टिंग एजेंसी इसको सर्टिफिकेट नहीं देती है और उसको मार्केट में बेच दिया जाता है। इसकी वजह से जो क्वालिटी है वो बहुत ही पुअर रहती है, ठीक है। दूसरा, सेंटर ने कहा है कि यूनिफॉर्म सर्टिफिकेशन प्लान बनाया जाएगा और इसमें जो सीड एक्ट 1966 है, ये इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, एक फैक्चुअल नॉलेज है, सीड एक्ट 1966 में बदलाव किया जाएगा और उसके बाद सीड के सर्टिफिकेशन के प्रोसेस को मैंडेटरी बनाया जाएगा, ताकि जो भी लोग सीड्स यानी कि बीज को बेचते हैं उनको पहले सर्टिफाई करवाना पड़ेगा। और इससे गवर्नमेंट का ये मानना है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी जो है वो 25% तक और बढ़ जाएगी। तो फार्मर के इनकम को डबल करने का जो हमारा एम है उसमें ये सर्टिफिकेशन ऑफ सीड भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखेंगे, 1966 का जो एक्ट है उसमें अभी एक जो स्टेटमेंट मेंशन है वो क्या है, एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर रेगुलेटिंग द क्वालिटी ऑफ सर्टेन सीड्स फॉर सेल। अब इस एक्ट में सर्टेन शब्द को बदला जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, दैट एम्स टू रेगुलेट द क्वालिटी ऑफ ऑल सीड्स sold in the country as well as exported and imported seeds। तो कोई भी सीड्स जो कि एक्सपोर्टेड है या इम्पोर्टेड सीड्स हैं उन सभी का सर्टिफिकेशन कंपल्सरी हो जाएगा और इससे उस एक्ट में थोड़े बहुत बदलाव किए जाएंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिख सकता है, जो आपको लिखना है इसको इस पूरे में लिख दिया गया है, जो आपके नोट्स में नोट डाउन करना है आपको। पहला हमने देख लिया कि आधे से ज़्यादा सीड्स जो हैं वो नॉट सर्टिफाइड होते, इसकी वजह से जो क्वालिटी है वो पुअर हो जाती है। अगर हम इसको मैंडेटरी कर देंगे सर्टिफिकेशन के प्रोसेस को, तो इससे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी 25% तक, ठीक है। इसके बाद 1966 के एक्ट में थोड़ा सा बदलाव लाया जाएगा, जो शब्द लिखा हुआ था सर्टेन उसको रिमूव कर दिया जाएगा और कोई भी सीड्स हो जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्टेड सीड्स हो उन सभी को कंपल्सरली सर्टिफाई करना होगा, ये रेगुलेशन में बदलाव किए जाएंगे। अगला न्यूज़ है इंडियन एक्सप्रेस का, इसमें जो कुकिंग ऑयल है उससे बायोडीजल फॉर्म किया जाएगा, ठीक है। तो साइंटिफिक न्यूज़ है, काफ़ी अच्छा न्यूज़ है। 100 शहरों में इसको लॉन्च करने का प्लान किया गया है। तो कुछ बेसिक फैक्ट जो आपको याद रखना है, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स इसके लिए लिए हैं। तो जो भी ऑयल मेकिंग कंपनीज़ हैं, चाहे वो इंडियन ऑयल हो, भारत पेट्रोलियम या हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो, उन सभी को ये जिम्मेदारी दी गई और सैटरडे को लॉन्च किया गया इस प्रोग्राम को, जिसमें कि बायोडीजल बनाया जाएगा यूज्ड कुकिंग ऑयल से। देखिए, आपको पता होगा कि जो अभी जैसे आप होटल्स के बाहर खड़े हो जाएं कभी, या पराठे वराठे जो लोग बनाते हैं वहाँ पे, आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल होता है और एक के बाद एक उसी ऑयल को लगातार वो लोग यूज़ करते रहते हैं, वो फेंकते नहीं हैं। लेकिन अगर उनको मोटिवेट कर दिया जाए, देखिए उससे क्या होता है, लोगों को नुकसान होता है, हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है। अगर गवर्नमेंट उसको रेगुलेट कर दे, उस कुकिंग ऑयल के बदले उनमें उनको कुछ पैसे मिल जाएंगे, तो फिर उनका भी फ़ायदा होगा और गवर्नमेंट का काम भी बन जाएगा। तो कुकिंग ऑयल से बायोडीजल क्रिएट किया जाएगा, 100 शहरों में इस प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया गया, ये आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो मिनिस्ट्री है उन्होंने लॉन्च किया है। यहाँ पर आपको मिनिस्ट्री में कन्फ्यूजन हो सकता है कि ऑयल बनाना है तो आप हो सकता है कि कुकिंग ऑयल पर कॉन्सनट्रेट करें, कुकिंग ऑयल पर कॉन्सनट्रेट करेंगे तो कई सारी मिनिस्ट्रीज आपको
दिमाग में आएंगी, चाहे वो एग्रीकल्चर है या फूड प्रोसेसिंग है। तो यहाँ पर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो मिनिस्ट्री है उसने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है, और कई कंपनीज़ को जो ऑयल मेकिंग कंपनीज़ हैं, मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, उनको ऐड किया गया है इसमें। शुरुआत में एक स्टिकर, रुको रुको इज़ रीपर्पस यूज्ड कुकिंग ऑयल, ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था पहले, इसके स्टिकर को लॉन्च किया जाएगा। और कोई भी मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशंस या बाकी जगह से जो कुकिंग ऑयल है उसको कलेक्ट किया जाएगा, ताकि वो फिर से उस इकोसिस्टम में वापस ना जाए। और उसमें स्टिकर्स लगा दिए जाएंगे और उसका इस्तेमाल बायोडीजल क्रिएट करने में किया जाएगा। आगे देखते हैं, अगला न्यूज़ है चरक ऋषि के बारे में। आप इसी इमेज पर इस न्यूज़ को समझने की कोशिश करें। एचआरडी मिनिस्ट्री ने कहा है कि भारत में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है साइंटिफिक फील्ड से अगर हम बात करें तो, क्योंकि यहाँ पर शुरुआत में जितनी डिस्कवरीज हुई हैं वो सब भारत में ही हुई हैं। तो अगर हम बात एटम की करें तो वो भी भारत से ही इसकी शुरुआत हुई। अगर हम बात वर्ल्ड के फर्स्ट सर्जन की करें तो वो भी भारत से ही थे। सुश्रुत मुनि को वर्ल्ड का फर्स्ट सर्जन माना जाता है, या फैक्ट आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से याद रखेंगे। और यहाँ पर बात हो रही है संस्कृत लैंग्वेज की, जो चार्टी मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा, और इवन नासा ने भी इस बात को अग्री किया है, कन्फर्म किया है कि जो संस्कृत लैंग्वेज है उसको कंप्यूटर समझ सकता है। ये एकमात्र ऐसा लैंग्वेज है जिसको जैसे लिखा जाता है वैसे ही बोला भी जाता है। तो इसलिए आईआईटी बॉम्बे में जाके स्पीच दे रहे थे, वहाँ पर इन्होंने बहुत सारे और एस्पेक्ट्स को उठाया कि हम भारत में साइंटिफिक टेम्परामेंट कितना है, और इसकी जो हिस्ट्री रही है वो भी इसी पर बेस्ड रही है। तो इसको हमें सही मायने में आगे बढ़ाना चाहिए, साथ में जो संस्कृत लैंग्वेज का पोटेंशियल है उसको फील करना चाहिए, और जो साइंटिफिक पोटेंशियल है उसको भी इनकरेज करना चाहिए। तो एक इन्फॉर्मेशन है, इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं। और चरक मुनि और शुश्रुत मुनि के बारे में आप आर्ट एंड कल्चर के परस्पेक्टिव से याद रखेंगे। नहीं, थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, बेल आइकन प्रेस करें और शेयर